जय श्री राम, जय माँ कामाख्या। प्रिय श्रोताओं, हमारे एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आज हम क्रोध भैरव की शक्ति का उपयोग करके वशीकरण कैसे करें, ये आपको बताएंगे। और आज का मंत्र तो सच में बहुत ज़्यादा गोपनीय है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्रोध भैरव के मंत्रों से आप मनुष्यों को क्या, देवता और भूतों का भी वशीकरण कर सकते हैं। तो आज के इस मंत्र से आप इन सबका वशीकरण तो कर ही लेंगे और देवता को आपका कार्य करना ही होगा। तो इसका आप प्रयोग करेंगे कैसे, लेकिन उससे पहले आज के एपिसोड को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को दबाना तो मत भूलिएगा, क्योंकि जो आपको ये मंत्र मैं दे रहा हूँ ये बड़े ही दुर्लभ मंत्र हैं। तो आज के वशीकरण में आप क्या करेंगे, आज के वशीकरण में आपको जरूरत होगी एक फूल की। मंत्र आपकी स्क्रीन पर आ ही रहा है, तो आपको इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करते हुए फूल को अभिमंत्रित करना है। एक बार आपको उच्चारण करना है और फूल पर आपको फूंक मार देनी है। ऐसा आपको 108 बार करना है। ये बहुत शक्तिशाली प्रयोग है। अगर फूल चमेली का हो तो बहुत अधिक फायदा आपको मिलेगा। वैसे आप किसी भी फूल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर चमेली का करेंगे तो ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो जैसे ही आप फूल को अभिमंत्रित कर लें, तो उस फूल को किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को दे दें जिस पर आप वशीकरण का प्रयोग करना चाहते हैं। अब वो सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, वो राजा हो या राजपुत्र क्यों ना हो या राजपुत्री क्यों ना हो, उसकी रक्षा कोई भी शक्ति क्यों ना कर रही हो, लेकिन अगर आपने ये विधि कर ली तो उसका वशीकरण 100% होगा, क्योंकि क्रोध भैरव की शक्ति से ज़्यादा और कोई शक्ति नहीं है। तो आज के एपिसोड का हम समापन कर रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ आपकी पसंद हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो कमेंट्स कर बताएं कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, या क्रोध भैरव के किस तरह के मंत्रों को आप अपने जीवन में प्रयोग करना चाहते हैं। तो यदि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स करके बताएं तो क्या आप उस फूल का प्रयोग करेंगे। तो अगली बार तक अलविदा। जय श्री राम, जय माँ कामाख्या। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।